हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लेमर के बारे में। लेमर बंदरों की नस्ल में से ही मिलता जुलता बंदर ही लगता है, लेकिन लेमर बंदरों से अलग होता है। लेमर मेडास्कर में पाए जाने वाले छोटे बंदरों के कुल के स्तनधारी प्राणी हैं। लेमर मेडास्कर के मूल निवासी हैं। लेमर सफ़ेद और काले रंग के होते हैं। लेमर की आंखें बड़ी होती हैं और इनकी पूंछ भी काफ़ी लंबी और झाड़ीदार होती है। लेमर की पूंछ इनके शरीर के आकार से अधिक लंबी होती है। बंदरों की तुलना में लेमर कम बुद्धिमान होते हैं। लेमर की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। यह बहुत दूर से सूंघ कर पहचान लेते हैं। लेमर की आँखों में रेटिना के पीछे एक परत की विशेषता होती है। लेमर की कुछ प्रजातियां समूह में रहना पसंद करती हैं। इनके एक समूह में लगभग 10 से 12 लेमर एक साथ रहते हैं। इनका अधिकांश समय फल, पत्ते, फूल, कलियां, कीड़े मकोड़े और छोटे पक्षी और पक्षी उनके अंडे खाने में व्यतीत होता है। लेमर की कुछ प्रजातियां कीट भक्षी हैं। मादा लेमर संतान को जन्म देती है। इनका गर्भकाल 2 से 5 महीने होता है। लेमर नवजात बच्चे को अपने नीचे तब तक दाबे रहती है जब तक कि वह उसकी पीठ की सवारी करने के लिए तैयार ना हो जाए। लेमर नर व मादा शारीरिक रूप से एक समान होते हैं। यह देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और इनके शरीर का आकार भी एक जैसा ही होता है। लेमर एक सक्षम पर्वतारोही हैं। लेमर भोजन के लिए जमीन पर एक तिहाई समय बिताते हैं। जब लेमर जमीन पर यात्रा करते हैं तो वे समूह में सभी पर नज़र रखने के लिए अपनी पूंछ को हवा में रखते हैं और अपनी पूंछ को लहराते रहते हैं और एक साथ रहते हैं। लेमर आपस में एक दूसरे की खुशबू और आवाज़ की वजह से आपस में बात करते हैं। वे खुशबू द्वारा अपनी क्षेत्र को पहचानते हैं। लेमर ज़्यादातर दक्षिणी अमेरिका के चिड़ियाघरों में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी कुछ जानकारी लेमर के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।